नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 प्रश्न नंबर पहले का पांचवा भाग हम कर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पांचवा भाग है 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। इन ब्रैकेट्स को हल करने का तरीका हमने पहले भी देखा है कि ये जो 2x है ये सबसे पहले इस x से भी गुना होगा और इस 3 से भी गुना होगा। इसी प्रकार से ये -1 इस एक्स से भी गुना होगा और उसके बाद इस 3 से गुना होगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक्स जो है ये पहले इस एक्स से गुना होगा और उसके बाद इस -1 से। ऐसे ही ये 5 पहले एक्स से गुना होगा फिर दूसरी रकम से गुना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे करके देखते हैं। 2x पहले गुना होगा एक्स स्क्वेयर, तो 2 गुना 1 2x × x हो गया एक्स स्क्वेयर। उसके बाद 2x ने गुना होना है -3 से, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 3 गुना 2 होता है 6, साथ में है x। उसके बाद ये -1 x से गुना होगा तो ये बन जाएगा -1 गुना x -1x, और -1 -3 से गुना होगा 1 तिया 3 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब बराबर का निशान है तो हम बराबर का डाल देंगे। आगे देखते हैं, x+5 x-1 से गुना होगा तो पहले x गुना हो जाएगा x से, तो x × x होता है एक्स स्क्वेयर। फिर x गुना होगा -1 से, तो x × -1 ये हो जाएगा -1x। फिर +5 गुना होगा पहले x से, 5 गुना x होगा 5x प्लस का, और +(-) -5 1 से गुना होगा 5 एकम 5। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम ये चारों चीजें बराबर से इधर ले आएंगे। ठीक है, और बराबर के राइट साइड पे छोड़ेंगे 0। तो सबसे पहले ये चार चीजें यहां पहले से हैं, इनको ऐसे ही लिख दो जैसे ये हैं, किसी का भी निशान कुछ नहीं बदलेगा। सॉरी, ये माइनस है, -1x+3। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्स स्क्वेयर है लेकिन ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। अभी ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। अभी ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, जब ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -x स्क्वेयर। ये -1x है, बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +1x। ये +5x है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -5x। ये -5 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +5। अब चारों चीजों को हमने बराबर के उधर लिख लिया, ये बराबर का निशान है, तो बराबर के राइट साइड पे कुछ नहीं बचा, यानी कि बचा है 0। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली रकम है, ये एक्स स्क्वेयर वाली रकम है और ये एक्स स्क्वेयर वाली रकम है, तो और कोई एक्स स्क्वेयर वाली रकम नहीं है, x² वाली रकम नहीं है। तो 2x² - x² x² मतलब 1x², तो 2x² - 1x² हो गया 1x². ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एक्स वाली रकम। एक एक्स वाली रकम ये है, एक एक्स वाली रकम ये है, एक एक्स वाली रकम ये है, एक एक्स वाली रकम ये है। इसमें से आप ध्यान से देखें तो ये है -1x, ये है +1x, तो +1x से -1x तो कट गया, बाकी रहेगी एक्स वाली दो रकमें, -6x -5x माइनस माइनस प्लस, 6 में 5 प्लस कर दो, 6 और 5 11x, साथ में साइन माइनस का क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं। इसके बाद हमारे पास बची बिना एक्स वाली रकमें। देखो ये हो गया x², ये एक्स वाली, ये भी आया हो गया, ये 3 बच गया, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये 5 बच गया, तो +3 + 5 प्लस 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 ही होता है, 3 + 5 होंगे +8 = 0। अब आप ध्यान से देखें, ये ax² प्लस bx + c बराबर 0 के रूप का बन गया है, तो हम लिखेंगे यह ax² प्लस bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।